हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे वेब स्क्रैपिंग के टास्क 11 के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं टास्क पढ़ देता हूँ कि हमें इसमें करना क्या है। सो इस टास्क में हमने एक और छोटा सा एनालिसिस रन करना है। अब हम मूवीज़ को बाय जोनर एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आगे कि यह देखो कि आनंद का जो जोनर है उसमें ड्रामा लिखा है। सो ये जो आनंद नाम की फिल्म है उसका एक स्क्रीनशॉट दिया है। अगर उसका जोनर देखोगे यहाँ पर ड्रामा लिखा है। सो बहुत सारी मूवीज़ की एक से ज़्यादा जोनर भी हो सकते हैं या फिर होते हैं, ठीक है। तो हम एक एनालाइज मूवीज़ जोनर नाम का फंक्शन लिखेंगे, लिखो, ठीक है। ये फंक्शन एक मूवी लिस्ट नाम का पैरामीटर लेगा। सो हमें क्या करना है कि एनालाइज मूवी जोनर नाम का एक फंक्शन लिखना है जिसमें एक हम पैरामीटर पास करेंगे मूवीज़ लिस्ट नाम का, ठीक है। तो जिसमें जिसमें वो लिस्ट होगी जो गेट मूवी लिस्ट डिटेल वाला फंक्शन रिटर्न करता है। मतलब मूवी लिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। सो मतलब जो गेट मूवी लिस्ट डिटेल्स जो हमारा फंक्शन है टास्क 5 का, तो वो क्या कर रहा है, हमें आउटपुट में कुछ ऐसा दे रहा है एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी, और हर डिक्शनरी में हर मूवी की डेप्थ में डिटेल है बेसिकली। सो हमें ये एज अ आर्ग्यूमेंट इस वाले फंक्शन में जो मूवी एनालाइज मूवी जोनर के फंक्शन में जो है हमें एज अ आर्ग्यूमेंट उसे पास करना है, ठीक है। सो आपके फंक्शन को एक डिक्शनरी रिटर्न करनी है जिसमें हर जोनर का नाम कीज में होगा और जोनर की नंबर ऑफ मूवीज उसकी वैल्यू में होगी। जैसे अगर यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो जो है एक की में जोनर का टाइप है और नंबर ऑफ मूवीज़ यहाँ पे ये दी हुई है, ठीक है। सो ये फंक्शन आपको 250 मूवीज़ पे रन करना है। सो अब हम क्या करते हैं, हमारे कोड पर मतलब देखते हैं कि अब हमने कोड में लिखना क्या है। सो मैं अभी आपको कोड दिखाता हूँ कि हमने कोड में करना क्या है। तो मैंने पहले से यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डिफाइन किया है एनालाइज मूवी जोनर, और जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया है मूवी लिस्ट नाम का, मूवीज़ लिस्ट। तो ये मूवीज़ लिस्ट कहाँ से आ रही है, वो आ रही है यहाँ से कि गेट मूवीज़ लिस्ट डिटेल से। अगर आप इसको रन करोगे तो आउटपुट में आपको जो है एक लिस्ट मिलेगा जिसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज है, ठीक है। एक लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज है और हर डिक्शनरी में हर एक मूवी की डेप्थ में डिटेल है, ठीक है। अब हम आगे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि हमने एक फंक्शन लिखा एनालाइज मूवी जोनर, और जिसमें मूवी लिस्ट नाम का एक पैरामीटर पास किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि जोनर लिस्ट नाम का एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, जिसमें मैंने क्या किया उसका यूज़ क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले हमने क्या किया है कि मूवी लिस्ट पर जो है एक फॉर लूप चलाया, जिसमें से हमें हर एक मूवी मिलेगी। जैसे अगर इस लिस्ट पे मैं लूप चलाता हूँ तो एक एक मूवी एक एक डिक्शनरी मुझे मिलती जाएगी, ठीक है। सो फॉर मूवी इन मूवी लिस्ट, सो मैंने जेसन टू डिक्ट इसलिए कन्वर्ट किया है। अगर आप मूवी का टाइप देखोगे तो वो एक स्ट्रिंग टाइप होगा, अगर आप मूवी का टाइप देखोगे, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे, तो एक स्ट्रिंग टाइप होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया था कि जेसन टू डिक में उसे कन्वर्ट किया है। देखो क्लास स्ट्रिंग, ठीक है। तो हर मूवी का जो भी टाइप होगा वो एक स्ट्रिंग टाइप है। तो इसके लिए कभी भी हम किसी भी स्ट्रिंग में की को कॉल नहीं कर सकते, हमें स्ट्रिंग में इंडेक्स को कॉल करना होता है। अगर हम डायरेक्टली उसे जेसन में मतलब जो जेसन फाइल से अगर उसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं करते स्ट्रिंग से डिक्शनरी, तो हमें एरर देगा कि हमें स्ट्रिंग में कभी हम की को कॉल नहीं कर सकते, हमें इंडेक्स को कॉल करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, मैंने जेसन टू डिक में उसको कन्वर्ट कर लिया जेसन डॉट लोड की मदद से, जिसमें मैंने उस मूवी को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया। फिर जोनर नाम का एक वेरिएबल लिखा जिसमें मैंने जेसन टू डिक जो हमारी एक डिक्शनरी दे रहा है, ठीक है। अगर हम जेसन टू डिक का टाइप देखेंगे तो एक डिक्शनरी होगा, टू डिक। तो इसका अगर हम टाइप देखोगे तो इसका टाइप जो है एक डिक्शनरी होगा, ठीक है। तो एक क्लास डिक्ट यानी एक डिक्शनरी है, ठीक है। तो हम किसी भी डिक्शनरी के की को आसानी से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, उस डिक्शनरी के अंदर जो की है जोनर नाम की, जहाँ से हमें एक जोनर्स की लिस्ट मिलेगी, ठीक है, उसको कॉल किया। तो अगर हम इस जोनर को रिटर्न करवाते हैं तो आप देखोगे कि पहली जो मूवी है हमारी
उसकी लिस्ट हमें मिल जाएगी। तो रिटर्न करवा रहे हैं इसलिए लूप यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है पहली बार में, इसलिए हमें एक ही मूवी का मिला। अगर यहाँ पे प्रिंट करवा के देखोगे 250 मूवीज़ की अलग अलग लिस्ट आपको दिखेगी, ठीक है। तो एक लिस्ट मिल रही है, तो मैंने क्या किया इस लिस्ट पे फिर से एक लूप चलाया है फॉर आई इन जोनर, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इफ़ आई नॉट इन जोनर लिस्ट, तो जोनर लिस्ट क्या है ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जोनर लिस्ट अभी एम्प्टी है, जैसे यहाँ पे ड्रामा आएगा फिर ड्रामा के बाद, जैसे मैं आपको एक बार फिर से प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि जैसे इसमें क्या आ रहा है। हम रिटर्न नहीं करवाएंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमें 250 लिस्ट मिलेंगी अलग अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे 250 लिस्ट मिल रही है, देखो हर मूवी की मतलब जितने भी जोनर है वो आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ड्रामा ड्रामा ड्रामा, यहाँ पे क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है एक ही ड्रामा बार बार। तो हमने क्या किया एक यूनिक लिस्ट बना ली जिसमें यूनिक जोनर्स होंगे, इसलिए मैंने क्या किया इन सारे जो है जो भी जोनर का टाइप आ रहा है, ठीक है, इसमें से ड्रामा आया, इसमें से क्राइम ड्रामा थ्रिलर आया, तो ड्रामा रिपीट हुआ तो फिर से वो अपेंड नहीं होगा, इसलिए आई नॉट इन जोनर लिस्ट। अगर ड्रामा नहीं होगा इसमें तो ड्रामा अपेंड हो, अगर ड्रामा होगा तो ड्रामा अपेंड नहीं होगा। बेसिकली इस लूप में हमने वो किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे मैंने क्या क्या किया है कि एनालाइज जोनर नाम का जोनर नाम की एक डिक्शनरी बना ली। तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की मदद से मैंने वो डिक्शनरी बनाई है, जिसमें मैंने क्या किया है कि फॉर जोनर टाइप इन जोनर लिस्ट, जो ये जोनर लिस्ट हमें मिलेगी आउटपुट में फाइनली। तो अगर हम देखेंगे कि क्या मिल रहा है हमें आउटपुट में फाइनल जोनर लिस्ट में, ठीक है, अगर हम आउटपुट में देखोगे फाइनल, तो आपको क्या है एक लिस्ट मिलेगी जिसमें यूनिक जोनर्स होंगे, ठीक है। ये यूनिक जोनर की एक पूरी लिस्ट मिली, तो इस लिस्ट पे मैंने लूप चलाया इस डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन फॉर जोनर टाइप इन जोनर लिस्ट, ठीक है। फिर उस जोनर टाइप को एज ए की किया और उसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी, क्योंकि हमने अब तक एनालाइज नहीं किया इसलिए उसका काउंट जो है ज़ीरो है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिर से जो फिर से फॉर जोनर टाइप इन जोनर लिस्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर मूवी लिस्ट पे फिर एक लूप चलाया ताकि हर मूवी यहाँ से आती जाएगी, और मैंने फिर से उसे स्ट्रिंग में से डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लिया, जो बेसिकली हमने ऊपर किया था वही चीज़ फिर से नीचे किया। फिर मैंने ये कंडीशन लगाई कि इफ़ जोनर टाइप, मतलब यहाँ से जो जोनर का टाइप आ रहा है ड्रामा, और यहाँ से जो जोनर होगा एक लिस्ट में जोनर मतलब ड्रामा होगा अगर उस लिस्ट में, तो क्या होगा बेसिकली कि जैसे यहाँ पे हर मूवी का जोनर आ रहा है ना, तो अगर उसमें ड्रामा है, अगर ये ड्रामा है तो ड्रामा ड्रामा रहेगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, फिर से ड्रामा आया तो फिर से प्लस वन टू होगा। तो फाइनली हम इसका आउटपुट देखते कि हमें आउटपुट में मिल क्या रहा है, ठीक है। तो पहले इस रिटर्न को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अगर फाइनल में इसका आउटपुट देखोगे तो कितनी ड्रामा की मूवीज़ है उन सारे का आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कितनी क्राइम मूवीज़ है, कितनी थ्रिलर मूवीज़ है 250 वो मूवीज़ में। सो आप देख सकते हैं कि ड्रामा की 207 मूवीज़ है, क्राइम की 66 है, थ्रिलर की 41 है, वॉर की 3 है, मिस्ट्री की 18, तो इतनी मूवीज़ है। सो हमने फाइनली हमारा ये टास्क यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।